सतगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी सत्संग जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। आज का टॉपिक है व्यक्ति से नहीं शक्ति से जुड़िए। जब हमें परमपिता परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है, जब हम ज्ञान लेने जाते हैं, ज्ञान कक्ष में बैठते हैं, तो ज्ञान प्रचारक जो महात्मा होते हैं वो हमें शक्ति निराकार के साथ जोड़ते हैं। हमें निराकार का ज्ञान दिया जाता है तलियों के इशारे से। जिस वक्त हमें ज्ञान दिया जाता है तो केवल और केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर परमपिता परमात्मा इस निरंकार के साथ जुड़ा जाता है। हमें किसी व्यक्ति विशेष के साथ में नहीं जोड़ा जाता, हमें किसी पद पोस्ट प्रतिष्ठा के साथ में नहीं जोड़ा जाता, किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ने के लिए कभी नहीं कहते। सदगुरु कहते हैं कि केवल निरंकार के साथ जुड़िए, शक्ति के साथ जुड़िए। शक्ति है, हमेशा साथ रहती है। और अगर शक्ति को भूलकर किसी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ जाओगे तो फिर धोखा खा जाओगे, फिर रोना ही रोना है। क्योंकि जब उम्मीद संसार से करोगे तो केवल रोना है। इसीलिए संतों ने कहा है कि उम्मीद रब से करो सबसे नहीं, रब राजी तो सब राजी। रब को रिझालो, रब के साथ जुड़ो, प्रभु की भक्ति कर लो। क्योंकि हमेशा हर पल रहने वाला ये निराकार है, यही साथ देता है। ये दुनिया साथ नहीं देती। दुनिया में केवल मतलब है, स्वार्थ लाख करे सब प्रीति, इस दुनिया के यह रीति कि संसार स्वार्थ के बस प्रेम करता है। परोपकार परमार्थी तो केवल सदगुरु ही निरंकार है। संत होते हैं, संत बड़े परमार्थी शीतल, जिनके अंग और उनको शीतल करे दे के अपना रंग। तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षे में है, परमार्थ के कारण चारों धारे में है। तो संतों की महिमा अपरंपार है। तो संत महात्मा हमें समझाते हैं, जो पक्के संत होते हैं वो हमें समझाते हैं कि इस शक्ति निराकार के साथ जुड़ो, क्योंकि हमेशा यही रहने वाला है। अंग संग जो प्रभु हमारे, यही हमारा अपना है। पक्का रिश्तेदार यही है और हर रिश्ता सपना है। यही हमारा मंदिर मस्जिद मक्का काबा ज़ारत है, यही हमारा माल खजाना, यही हमारी दौलत है। जिनको यारब याद रहा ना खाली वे बेचारे गए, कहे अवतार वो पंथ सारे खोज खोज में मारे गए। कि दुनिया भटकती है परमात्मा को जानने के लिए। कोई जंगलों में वीरानों में जा रहा है, कोई गुफाओं में है, कोई पहाड़ों में ऊंचे ऊंचे पर्वतों में जा रहा है, परमात्मा को खोज रहा है। तो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया कि वो खुदा हरगिज हो नहीं सकता जो इधर तो है और उधर नहीं है। ऐ इंसान, खुदा पर्दे में नहीं है, पर्दे में तू है। और इतना बड़ा पर्दा हरगिज बन नहीं सकता जो खुदा को ढक ले। हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो हमें इस अनंत के साथ में जोड़ा गया है। बेअंत महिमा तेरी दाता अपरंपार, परम पिता परमात्मा कण कण तेरा वास, कि कण कण में तू ही बस रहा है, जर्रे जर्रे में तेरी बादशाहत है, तेरे सिवा और कुछ भी नहीं है। ये बात हमें संत महात्मा समझाते हैं। जब पक्कों का संत करेंगे, पक्के संतों का संग करेंगे, तो संत महात्मा हमें इस निराकार के साथ जोड़ देते हैं। कभी भी हमें किसी व्यक्ति के साथ नहीं जोड़ा जाता, किसी भी मुखी प्रचारक, ज्ञान प्रचारक, संयोजक, जनरल इंचार्ज के साथ नहीं जोड़ा जाता। हमें केवल और केवल निरंकार के साथ जोड़ा जाता है। और ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद अगर हम किसी पद पोस्ट वाले के साथ जुड़ गए, किसी पद के साथ में जुड़ गए, तो फिर हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जहां पर पद प्रतिष्ठा है, पोस्ट है, वहां पर अहंकार है। और इस सूक्ष्म अहंकार बहुत ही घातक होता है। मान मुनि मुनिवर गले मान सब को खाए, मारा गया जिसने कहा मैं बड़ा। संतों ने समझाया, नीचे नीचे सब तेरे संचरण लवलीन, और जाति के अभिमान ते बूढ़े सकल को ले। तो यहाँ पर बिल्कुल छोटा होना पड़ता है, बच्चा बनना पड़ता है भक्ति के मार्ग में। जो बच्चा है वो बच्चा है, तो भक्ति के मार्ग में सदैव बच्चे बनकर ही रहना चाहिए। बिल्कुल छोटा, दासों का दास,
दास कहा वन कठिन है, मैं दासों का दास, अब तो ऐसा हो चलू पांव तले की घास। जब आंधी और तूफान आते हैं तो बड़े जो पेड़ होते हैं वृक्ष वो गिर जाते हैं, लेकिन नन्ही सी घास का कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि घास विनम्रता को धारण किए रहती है। तो संत महात्मा स्वयं को दासों का दास बताते हैं। अगर ज्ञान लेने के बाद, ब्रह्म ज्ञान के बाद भी हमें पद प्रतिष्ठा का अहंकार हो गया है और हम बोस बन गए हैं, तो फिर हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। पद प्रतिष्ठा जो है, इससे अहंकार का जन्म होता है। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा कि भक्त को मान सम्मान यश और कीर्ति कोई लालसा नहीं होती। भक्त अमानी होते हैं, हनुमान जी की तरह सदैव विनम्र होते हैं, अपने आप को सबसे छोटा मानते हैं, अदना। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। स्वयं को दफन करना पड़ता है, खुद को मिटाना पड़ता है, छोटा बनना पड़ता है। नीचे नीचे सब तेरे संचरण लवलीन, और जाति के अहिमानते बूढ़े सकल को लीन। कि जो हनुमान बन गया, दासों का दास बन गया, वो तर गया। क्योंकि दास कौन बन सकता है? दासों का दास वही बन सकता है जो शक्ति के साथ जुड़ता है, निरंकार के साथ जुड़ता है। अगर हम व्यक्ति के साथ जुड़ेंगे तो फिर हम दासों के दास नहीं बन पाएंगे। फिर तो हमारी अवस्था भी बोस वाली ही रहेगी, कि मुझे भी अहंकार रहेगा। व्यक्तियों के साथ जुड़ने से हमेशा मोह पैदा होता है, और मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी जो चीजें हैं भक्ति के मार्ग में बाधक है। तो सदगुरु हमें केवल और केवल निरंकार के साथ जोड़ते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म की समाप्ति, सारे ब्रह्मों से बाहर निकाल देते हैं। बंधन तोड़ मिलाए राम, सारे बंधनों को तोड़ देते हैं और कहते हैं, आस न रखना माया ऊपर, आस न रखना बंधों पर, आस न रखना संबंधों पर, आस न रखना धंधों पर, आस न रखना बुद्धि बल पर, सूझो और पढ़ाइयों पर, घर बार और बेटे बेटी दौलत और कमाइयों पर। कहे अवतार आस इकरप की कन कन रहा समाये जो, रमे राम का लो असरा पूरा गुरु बताए जो। किसी पर उम्मीद मत रखना, ये दुनिया कभी साथ देती नहीं है, साथ केवल देता है सदगुरु। ये निराकार प्रीत बहुत संसार में नाना विध की सोए, उत्तम प्रीत सो जाने सतगुरु से जो हो। सदगुरु आप निरंकार है, हमने केवल और केवल निरंकार के साथ जुड़ना है। सदगुरु के शरीर के साथ भी नहीं जुड़ना है, सदगुरु के ज्ञान निराकार के साथ जुड़ना है। सदगुरु आप निरंकार है, सदगुरु की सत्ता ये निराकार है, सदगुरु की पावर निरंकार है। सदगुरु हमें अपनी पावर सर्वशक्तिमान शक्ति इस निराकार के साथ जोड़ते हैं। सदगुरु किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं जोड़ते, केवल और केवल शक्ति के साथ जोड़ते हैं। सत्संग जी प्यार से बोलिए, धन्यवाद जी।